हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद आशुतोष में। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आज हम आप लोग क्या सिखाएंगे, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आपका ये जो सिंप्लीफिकेशन ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंडर में आता है और आपको पता होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेशन किन्हें कहते हैं। बेसिकली आपने जो सबसे लोअर क्लासेज में आपने सीखे होंगे, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीज़न, यही सारी चीज़ें आपकी किसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन में आती हैं। इसमें जो आपके आते हैं वो क्या हैं, आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये चार चीज़ें आपने बेसिकली अपने बेसिक लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। आप 1 to 5th कह सकते हैं या और भी लोअर क्लास अपर हायर में भी आपने क्या है पढ़ा होगा। अब इस अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। भैया, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये तो सबको आता है, लेकिन हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में आपने एक वर्ड सुना होगा, बॉड मास। ठीक है, इसको कहते थे लोग पहले बॉड मास, BODMAS। ठीक है, अब इस बॉड मास का जो मतलब है वो इसी में छिपा हुआ है। B4 आपका होता है ब्रैकेट, O4 होता है आपका ऑफ। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लीकेशन या हिस, इसे हिंदी में लोग क्या कहते हैं, का। का मीन्स गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन। D4 आपका होता है डिवीज़न, M4 मल्टीप्लीकेशन, A4 एडिशन एंड S4 सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अभी क्या है ना कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो मैं आपको समझाऊंगा, इसमें आपको बोर नहीं होना है, आप हमारे साथ बने रहेंगे लास्ट तक। और लास्ट तक आपको पढ़ने के बाद कभी भी आपको दोबारा घूम के बॉड मास या फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है इस एक क्लास में पूरा मैं ना कवर कर पाऊँ, क्योंकि डिटेल में इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए हो सकता है इसको 2 क्लास में भी पढ़ाना पड़ जाए। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली बॉड मास सीखेंगे। बॉड मास में आपके बेसिकली 4 चिन्ह चलते हैं, आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। B4 आपको बताया, B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है आपका ऑफ। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। D4 आपका होता है डिवीज़न, M4 होता है आपका मल्टीप्लीकेशन, और A4 होता है आपका एडिशन, और S4 होता है आपका सब्ट्रैक्शन। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी कोई आपको इक्वेशन दिया जाए या कोई भी आपको एक सवाल दिया जाएगा, उसमें सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है तो आपको सॉल्व करना B4 ब्रैकेट, सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ पे जाएंगे, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर लास्ट में सबसे आपके जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ब्रैकेट में भी आपके ब्रैकेट कई तरह के होते हैं। ये ब्रैकेट बेसिकली आपके 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है, इसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, या फिर छोटा ब्रैकेट। फिर आपका आता है ये, इसको आप कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले से कर्ली ब्रैकेट कहते हैं और हिंदी मीडियम वाले इसको कहते हैं मझला ब्रैकेट। ठीक है, और ये लास्ट वन जो आपका है, ये आपका लार्ज ब्रैकेट है। ठीक है, या फिर इसको बड़ा ब्रैकेट के नाम से भी लोग जानते हैं, यानी कि छोटा, मझला और बड़ा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट आपको 3 हो गए। अगर मान लीजिए आपको कोई ऑपरेशन दिया हुआ है, ये आपको किया गया है, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के बाद भी आपका मझला है, और मझला के बाद छोटा है, छोटा फिर ये आपका बंद होगा, फिर मझला बंद होगा, फिर लास्ट में ही आपका बड़ा बंद होगा। ठीक है, इन तीनों में सबसे पहले जो आपको सॉल्व करना है वो आपका इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब ये स्मॉल ब्रैकेट आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप मिडिल ब्रैकेट पे चलेंगे, या फिर इसी को हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। ये आपका चलता है लास्ट में आपका लार्ज ब्रैकेट में, और कभी कभी इसमें एक और ब्रैकेट देता है बार, ये ऊपर बार बना दिया। जैसे मान लो आपको लिख दिया 4 + 6 - 7। ठीक है, ये लिख के आपको यहाँ पे बार लगा दिया। ठीक है, आपको पता है कि हम पहले क्या बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट आपका बार लग जाने की वजह से क्या होता है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी आगे मैं आपको और बताऊँगा। फिलहाल ब्रैकेट की कैटेगरी में आप एक और नोट कर सकते हैं कि ये आपका सीधा लाइन रहता है, इसको हम बार ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में ऑफ आपको बता दी दिया है। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा
अरिथमेटिक ऑपरेशन आपने जोड़ घटा गुणा भाग तो बहुत कर लिया, एक छोटा सा इसमें रूल चलता है, वो रूल आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब कभी भी अपोजिट साइंस होते हैं, ठीक है, जब कभी भी अपोजिट साइंस होते हैं तो वे एक दूसरे से क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और लाइक साइंस जो होते हैं एक जैसे चिन्ह अगर हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक आपका प्लस है और दूसरा माइनस है तो प्लस माइनस हमेशा आपका माइनस होगा, ठीक है। अगर आपका माइनस है और दूसरा आपको प्लस दे दिया गया है तो ये भी आपका क्या है, माइनस ही होगा। फिर अगर आपके लाइक हैं, जैसे मान लो माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, यानी कि क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। और अगर प्लस प्लस है तो भाई ऑलरेडी उसको प्लस आपको मानना ही है, क्योंकि प्लस प्लस आपका हमेशा प्लस ही होगा। इसमें एक और बेसिक चीज़ आप जान चलें कि अगर मान लीजिए किसी भी न्यूमेरिकल के या किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो उसके आगे हमेशा आप प्लस मानेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 40 लिख दिया है, ठीक है, 40, और इसके आगे माइनस नहीं लगाया है, ठीक है, अगर ये माइनस लगा तो ये तो भाई माइनस 40 है ही है, लेकिन अगर केवल 40 लिखा है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं लगा, तो उसको आप प्लस ही मानेंगे। फिर अगर मान लीजिए कोई नंबर आपका लिखा है और ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको 4 लिख दिया है, अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन चिन्ह नहीं है तो उस जगह पे आप उसको हमेशा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा ही मानेंगे, ठीक है। बहुत छोटे से बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 4 + 3 + 2, ये तो भाई बहुत इजी हो जाएगा, जोड़ लेंगे आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया 4 + 3 - 2। तो सबसे पहले इसमें जो बॉड मास यानी कि सिंप्लीफिकेशन में जो रूल चलता है वो कि सबसे पहले इसमें देखो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन नहीं है। डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं है तो इसमें सबसे पहले आप एडिशन करोगे। एडिशन मीन्स इसको आप पहले हल करोगे, 4 और 3 आप जोड़ोगे 7 आएगा, ठीक है। ये विथ साइन नीचे आएगा, विथ साइन चिन्ह के साथ में। अब 7 में से आप 2 माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 5। बहुत ईजी, बहुत सिंपल। एक सवाल और बताते हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 8 - 6 + 2, ठीक है। ध्यान देना, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवीज़न को, सॉरी एडिशन को करेंगे, ठीक है। इस प्लस वाले को आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन जो ये आगे है ये विथ साइन नीचे आएगा, ये 8 माइनस, और 6 और 2 ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है, आपको हमने बताया था, ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों का चिन्ह कैसा, माइनस और प्लस, ये माइनस होगा यानी कि घटेगा। 6 में से 2 घट जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 4। अब यहाँ पे चिन्ह जो माइनस लगा है उसको भी थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है, आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा जो चिन्ह लगेगा, जैसे मैंने 6 और 2 को सॉल्व किया, 6 और 2 को सॉल्व करने के बाद में चिन्ह हमेशा बड़े वाले, बड़े, ये बड़ा नंबर आपका क्या है, 6 है, और 6 के आगे माइनस लगा है यानी कि बड़े के सम्मान में हमें क्या करना है, उसकी उसी चिन्ह को हमें नीचे लिख देना है, ये बड़े के सम्मान में करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। अब 8 में से 4 माइनस करोगे, ये आपका सिंपली 4 आएगा। चिन्ह पूछ रहे हैं कौन सा लगाना, तो भैया बड़ा 8 है और उसके सम्मान में इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो हम उठा के इसको प्लस, और प्लस भैया लिखते नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगले पे, अभी हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम ये देखेंगे। अभी क्या करते हैं कि आप एक क्लास में आपके हम केवल अरिथमेटिकल यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ही क्लियर करेंगे, ब्रैकेट को अभी मैं ले रहा हूँ, ब्रैकेट के लिए एक अलग से क्लास बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको साइन को समझना होगा, यानी कि प्लस माइनस में बच्चे सॉल्व करने में ही गड़बड़ी कर देते हैं, उसको हम समझाते हैं, बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो 2 होता है उसके बाद तीसरा आप देखिए, जैसे मैंने हमें यहाँ पे लिखा 4 + 8 / 2 / 3 - 4, ईजी है, कुछ नहीं करना है, आपको बॉड मास का बदमाश रूल ही फॉलो करना है। बॉड मास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अभी ब्रैकेट और ऑफ को हम नहीं ले रहे हैं। तो सिंपल से आप अपने दिमाग में बस क्या रखिए कि हमको DMAS, डमास, ठीक है, डी फॉर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, बताइए। सबसे पहले विथ साइन कोई भी नंबर अगर आप उठाते हैं तो उसको विथ साइन उठाएंगे, और साइन से उठाने के साथ में मान लीजिए आप सबसे पहले डिवीजन करेंगे 8 / 2, आगे का नंबर एज इट इज 4 प्लस। अब इस डिवीजन को हमें सॉल्व करना
8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 होता, 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। बाकी पीछे का जो ये नंबर बचा ये विथ साइन आएगा, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4, ठीक। इसमें अब क्या है, डमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है यानी कि 4 × 3, सामने वाला एज इट इज विथ साइन आएगा यानी कि 4 प्लस, और 4 3 जो आपका हो जाएगा 12, विथ साइन नीचे लाएंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस 4। ये आपका रूल के अकॉर्डिंग अब प्लस पे चलेंगे। अभी थोड़ा सा मैं बहुत तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड बढ़ती जाएगी और लेवल बढ़ता जाएगा। अब ये 12 और 4, ठीक है, 12 और 4 ये आपका हो जाएगा 16, विथ साइन नीचे आएगा माइनस 4, 16 में से 4 माइनस करेंगे ये आपका क्या आ जाएगा 12। साइन का लफड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि अब बड़ा क्या है, नंबर कौन सा है 16, 16 के आगे प्लस है तो बड़े के सम्मान में प्लस चिन्ह ही आएगा, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, ये आपका सो कॉल्ड आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं। 4th हमारा कह रहा है कोई एक नंबर है 12 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6, ठीक है। देखते हैं एज रैंडमली ऐसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए बीच में कहीं क्वेश्चन फिट नहीं बैठेगा तो उसके लिए आप सपोज, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखो डिवीजन इसमें दो दो बार डिवीजन है, बच्चा परेशान है, अरे भाई कुछ परेशान नहीं होना, बस केवल रूल से आप इधर उधर मत भटकिए, कोई भी गलत नहीं होना है। 8 में से 4, सबसे पहले चाहे इसको उठा लीजिए इसको उठा लीजिए, जो आपकी मर्जी करे, इधर से उठा लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 4 आगे का ऐसे उतार लो, 12 डिवाइड बाई 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6। रूल के अकॉर्डिंग 12 को 2 से करोगे ये हो जाएगा 2 6 जा 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6, ठीक है, 6 2 जा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ये तो बड़ा ईजी निकला भाई, ठीक है, मुझे नहीं लगा था कि इतना ईजी होगा। एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा घुमाते हैं, परेशान करते हैं आपको। मैंने लिखा माइनस 12 प्लस 6 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, देखो कर दें, चलिए रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पीछे का हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है, ठीक है, तो आगे का एज इट इज़ उतार दें, कुछ नहीं करना है। माइनस 12 प्लस 6, अब ये 12 और 2 12 टू 24, साइन माइनस का है, चुपचाप लगा दो, कोई छेड़खानी नहीं, कुछ बदलाव नहीं करना है, ठीक है। अब ये 12 आपका माइनस में, 24 माइनस में है, ये आपका प्लस में है, चाहे आप पीछे से उठा लीजिए चाहे आगे से उठा लीजिए, जहाँ से मर्जी करे, सॉरी पीछे से लेते हैं, ठीक है। माइनस 12 एज इट इज़ उतर जाएगा, 6 के आगे यहाँ पे प्लस है और 24 के आगे यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है ये माइनस में, और प्लस माइनस का यहाँ पे आप देखोगे क्या है, प्लस और माइनस माइनस यानी कि घटाना है, क्या घटाना है, 24 बड़ा इसमें से 6 घटा दो, 24 में से 6 जाएगा बचेगा आपका कितना 18, ठीक है। अब चिन्ह के हाँ कौन सी लगाएं, ये समस्या है, बच्चे यहीं अटकते हैं, यहीं गलत करते हैं और हर बार गलत करते हैं, बार बार गलत करते हैं। बड़ा 24 है, 24 के आगे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, माइनस है तो आप माइनस उठा के लगा दीजिए। अब लास्ट स्टेप आपका बचा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दोनों को जोड़ दो, 18 12 कितना होता है 30, ठीक है। अब भैया फिर चिन्ह बड़ा 18 उसके आगे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लगा दो, काम खत्म। चलो एक और बताओ, मैंने बोला 9 × 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ पे मैंने रखा 9, इस भी डिवाइड है ये भी डिवाइड है, जो मर्जी वो उठा लो, मैं तो आगे से करूँगा। ये देखो 9 मल्टीप्लाइड बाई एज इट इज़, 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बहुत से बच्चे आज तक भी ये समझ पाते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि 4 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे यहाँ पे क्या आएगा। भैया किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा 0 आता है, और किसी भी नंबर को मान लो 4 है उसको आप 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 1 4 जा 4 आता है, सिंपल है, इजी है, लेकिन बच्चे गलती कर जाते हैं, भूल जाते हैं, जब मेन टाइम पे उनको कैलकुलेशन करना होता तब भूल जाते हैं। 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 3 जा 3 माइनस, अब इसको आप एक ही स्टेप में अगर भाई एक्सपर्ट हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपके
कैलकुलेशन की प्रोसेस है उसमें आपको पूरा करना है। ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 3 माइनस 16 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 9 3 जा 27 माइनस 8, ठीक है। 27 में से आप 8 घटा दीजिए, सिंपली भाई 19, 19 बचेगा आपका। साइन आपका क्या है भैया, प्लस का ही रहना है क्योंकि बड़ा 27 है, उसके आगे कुछ भी नहीं रहने की, प्लस है, प्लस है मतलब क्या, आंसर भी आपका प्लस है, ठीक है। चलिए सेवन्थ करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, परेशान मत होइए, बीच में छोड़ के वीडियो भाग जाएंगे तो भैया समझ में नहीं आएगा, आज समझ लोगे हमेशा के लिए हो जाएगा। जो भी पूछेगा भैया सिंप्लीफिकेशन का रूल, बहुत बूढ़े बुजुर्ग क्या करते थे, पहले तंग करते थे बच्चों को, तो क्या करते थे, प्लस माइनस के इस कैलकुलेशन में बच्चों को फंसा देते थे। तो बच्चे क्या करते थे, जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे उनके पास नहीं जानते थे, क्यों नहीं जाते थे कि भैया ऊट पटांग सवाल पूछेंगे, हमको परेशान कर लेंगे, इसलिए क्या है वो हमेशा भागते थे। और पहले ये भी होता था कि क्या, बच्चे अपने नाना नानी के यहाँ या कहीं पर घूमने जाते थे तो ज़्यादातर अपने बुज़ुर्गों से बचते थे, क्योंकि बुज़ुर्ग क्या क्रॉस क्वेश्चन बहुत करते थे, बच्चों को बहुत तंग करते कि बेटा ने हमारे क्या पढ़ रखा है। चलिए मैंने लिख दिया इसलिए माइनस 110 प्लस 74 प्लस माइनस 12, समझ में आया। चलिए आ गया यहाँ पे ब्रैकेट छोटा सा, ठीक है, इस ब्रैकेट से डरना नहीं, कुछ नहीं करना है भैया, नियम तो आपको पता है, अगर ब्रैकेट पहले आ गया तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को हटा देना है, साइन के रूल्स आपको पता है, ये 110 एज इट इज़ आया, प्लस 74 प्लस माइनस, ये माइनस आपका हो जाएगा क्योंकि चिन्ह का रूल हमने आपको उधर समझा रखा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 12 एज इट इज़ आ गया। अब देखो ये सिंपल हो गया, जैसे पहले करते थे वैसे ही करोगे, ये कुछ बदलाव नहीं करना है आपको। माइनस 110 है, ये प्लस 74 है, माइनस 12 है। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप प्लस माइनस माइनस कर लो, या तो इधर से प्लस माइनस माइनस कर लो, ठीक है, या और आपकी बुद्धि अगर कमज़ोर है या मान लीजिए पढ़ने में इतने तेज़ नहीं है तो आप क्या करो, सेम साइन वालों को इकट्ठा कर लो, इस माइनस को इस बगल ले आओ और इस प्लस 74 को आप उस तरफ ले आओ, ठीक है। ये सिंपल वालों के लिए जो ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना चाहते, इसको उधर ले जाओ, ये आ गया माइनस 12 इधर और प्लस 74 चला गया आपका उधर, ठीक है। ये माइनस माइनस आपको पता है क्या होता है, प्लस हो जाता है यानी कि जुड़ जाता है, तो माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा। 110 में आप 12 जोड़ोगे कितना आएगा, 122, एज इट इज़ ये पीछे का उतर जाएगा, प्लस 74। यहाँ आगे साइन का लफड़ा आता है, लेकिन मेरे ख्याल से लफड़ा नहीं है, बहुत ही ईजी है, आपसे बार बार मैं बता रहा हूँ कि चिन्ह हमेशा बड़ों के सम्मान में, बड़ा आपका 110 है, उसने माइनस का साइन ले रखा है तो उसको एज इट इज़ चुपचाप माइनस लगा दो। फिर है प्लस माइनस, 122 और ये 74, प्लस माइनस आपका माइनस होता है क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बता रखा है, प्लस माइनस माइनस, सिंपली घटा देना है। 122 में से आप 74 घटाओगे, इधर हो जाएगा 12, 12 में 4 जाएगा आपका, कितना बचेगा 8, यहाँ बचा आपका 11 में 7 जाएगा, 4 11, फिर बड़ा माइनस माइनस। किसी को अभी डाउट अगर रह गया है तो बता देना। एक सवाल और लेते हैं, सेवेंटी फाइव प्लस माइनस 120 माइनस 67 प्लस 2, ठीक है, आ जाओ। 75 प्लस माइनस, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो भैया ना पहले, प्लस माइनस माइनस 120, ये एज इट इज़ माइनस 67 एज इट इज़ प्लस 2, जैसे है वैसे उतारते चलना, एक एक स्टेप तोड़ना है, जब एक्सपर्ट हो जाना मतलब ये उंगलियों पे प्लस माइनस माइनस होने लगेगा, फिर आप चाहो तो एक स्टेप में क्या है दो दो कैलकुलेशन को साथ में कर सकते हो, लेकिन आपको जब तक ये आइडिया नहीं हो जाएगा कि हाँ हम प्लस माइनस इसी में सॉल्व कर देंगे तो कोई आगे दिक्कत नहीं होगी, तब तक आपको क्या उसे छेड़खानी नहीं करना है, आपको उसको स्टेप बाय करना है स्टेप। चलो अब ये 75 को आप एज इट इज़ उतारो, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि आपके जुड़ जाएंगे, ये 70 जोड़ोगे आपका 7 आ जाएगा, 6 और 2 8 और ये 1, बड़ा 120 है इसके आगे माइनस, तो एज इट इज़ माइनस प्लस 2, ठीक है। ये 75 प्लस है, इस प्लस वाले को उसके पड़ोस में ले आओ, 75 प्लस 2 माइनस 187,
75 में 2 आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 77 माइनस 187। बच्चा चौंक गया, अरे सर जी 77 तो छोटा है, इसमें से मैं ये कैसे घटाऊं? अरे नालायको कुछ नहीं करना है, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो। साइन का ख्याल रखो, 187 में से 7 आप माइनस कर दो, 7 में से 7 जाएगा आपका 0 और 8 में से 7 जाएगा 1 और ये 1 एज इट इज़ 110, बड़ा 187 माइनस लगाया तो ये माइनस के साथ में आ जाएगा, कुछ नहीं परेशान होना है आपको। ठीक है, आई बात समझ में? थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसे लिखते हैं, मैंने लिखा 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, अभी ये छोटा ब्रैकेट है, परेशान नहीं होना। आपको मैंने याद है पहले बताया था कि अगर दो नंबर्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, ठीक है, उसको किसी ब्रैकेट से आपको अलग किया गया है, तो उसमें सिंपली जब कोई चिन्ह नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन का लगाओगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का हो जाए झंझट खत्म। 6 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 है एज इट इज़ उतार लो, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लिकेशन लगा दो, प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये 3 इंटू 3 3 3 ज़ा आपका क्या होता है 9 प्लस 4 एज इट इज़ माइनस 2 एज इट इज़, 9 और 4 ये सेम साइन के, 9 और 4 13 होता है, 13 में से आप 2 माइनस कर दोगे कितना आएगा 11। साइन आपको पता है कौन सा लगेगा, कोई शंका कोई समस्या नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 60 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 ब्रैकेट में 4 माइनस 21। कुछ भी लिख सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा आगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कोई दिक्कत नहीं, कोई आगे पीछे का लफड़ा नहीं। 60 को आप 4 से डिवाइड करोगे, पहाड़ा आता है ना, ठीक है, 60 को 4 से करोगे 15 चौके 60, ये आपका आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 ब्रैकेट में आपका 4, या फिर थोड़ी सी मिस्टेक हमसे, सॉरी इसको आप पहले मत तोड़िए, पहले ब्रैकेट का था ना तो ब्रैकेट ही सॉल्व कर लो आप। देखो इसको एज इट इज़ डालो, 60 डिवाइड बाई 4, इस ब्रैकेट को आप क्या करोगे निपटा दो पहले, मल्टीप्लाइड बाई 3 कुछ भी नहीं है 4 के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन माइनस 21। अब थोड़ा आसान हुआ ना, इसको इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका 15 चौके 60 होता है, 15 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 21। ठीक है, अब इसको क्या करोगे 15 तिया 45, 15 थ्री ज़ा 45 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 21। 45 को 4 से करोगे, 5 4 ज़ा 20, 0 4 4 ज़ा 16 और 2 18 माइनस 21। 180 में से 21 आपको घटा देना है, ये भैया है 10, 10 में 1 जाएगा आपका बचेगा 9, यह बच्चा 17, 17 में 2 जाएगा, ये बचेगा आपका 15, 2 17, ये आपका आंसर है। इतनी बात अगर सबको समझ में आई है तो बहुत अच्छा है, किसी को ना समझ में आया हो तो वो कमेंट में बता दे कि सर जी मुझे यह समझ में नहीं आया है। अगर आप करना चाहो तो आपके लिए ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, 5 होमवर्क आप करेंगे और उसके आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, ये 5 सवाल मैंने आपके लिए यहाँ पे बोर्ड पे रखे हैं, ठीक है, इन्हें आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए कॉपी में और उसको सॉल्व करके नंबर वाइज आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे। कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझ में नहीं आ रहा हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर स्पीड हमारी कम लग रही है तो आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।